through with example on type 1 and type 2 errors. So as we have discussed, when the null hypothesis is true and we reject it, we are doing with type 1 error. And if the null hypothesis is false and we fail to reject the false null hypothesis, we will be doing type 2 error. Such like that, if अच्छा हमारे पास दोनों कंडीशन में या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो दैट्स व्हाई टाइप 1 और टाइप 2 एरर एक साथ नहीं हो सकते. इफ देयर इज टाइप 1 एरर तो वहां पर टाइप 2 एरर नहीं हो सकता है. इफ देयर इज टाइप 2 एरर वहां पर टाइप 1 एरर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां हम कहते हैं इस कंडीशन को हमने बनाया है इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स. तो एक कंडीशन में नल हाइपोथेसिस या ट्रू होगा या फॉल्स होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम कहे कि ड्रग और एक मेडिसिन के दरमियान कोई इफेक्ट नहीं है, कोई हम ड्रग दे रहे हैं किसी भी डिजीज के लिए, हम कोई ड्रग दे रहे हैं उसका उस डिजीज पे इफेक्ट है या नहीं है, तो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकते हैं. या उसके दरमियान इफेक्ट होगा ड्रग और डिजीज के बारे में तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स है. दोनों के दरमियान कोई इफेक्ट नहीं है तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, ट्रू है. तो दोनों कंडीशन हमारे पास एक साथ नहीं हो सकते, शुड रिमेंबर. अब अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है एंड वी रिजेक्ट इट, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हम कौन सा एरर कर रहे हैं, टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर को हम 1 माइनस अल्फा भी कहते हैं और इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं. If the null hypothesis is false and we reject it, so we have done with correct decision. अगर null hypothesis false है, अगर हमने reject किया तो हमने correct decision कर लिया. Second number पर एक तो हमारे पास recommendation हो गया. If null hypothesis हमारे पास true है और हमने इसको reject नहीं किया, तो we have done it correct decision. और अगर null hypothesis हमारे पास false है और हमने उसको reject नहीं किया, false null hypothesis को हमने reject नहीं किया, तो we have done with type 2 error. हमारे पास कौन सा error है, type 2 error है. इसको हम beta error भी कहते हैं और इसको हम false negative भी कहते हैं. So just like example हम अब medicine पे देते हैं और disease पे. For example हमारे पास null hypothesis है यहाँ पर कि there is no effect of null hypothesis हमारे पास यह है कि there is no effect of new drug on specific disease. null hypothesis हमारे पास क्या है कि drug का जो new drug है उसका disease पर कोई असर नहीं है, ये हमारे पास null hypothesis है. अगर हमारे पास वाकई null hypothesis true है और जो drug हम एक specific disease के लिए दे रहे हैं उसका कोई effect नहीं है, अगर हम उसको reject करें तो इट्स मीन हम ये साबित करते हैं कि ड्रग का नल उस पे जो न्यू डिजीज न्यू ड्रग है उसका डिजीज पर क्या असर है, और एक्चुअली इस पे असर नहीं होता है. तो हम मरीज को वो मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन वो कोई इफेक्टिवनेस नहीं शो कर रहा है, तो ये हम कौन सा एरर कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहा है. अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन डिजीज, बट एक्चुअली देयर इज इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन डिजीज, अगर हम उसको फॉल्स रिजेक्ट ना करें, हम कहते हैं कि नहीं उसका उसके जो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास कहते हैं कि देयर इज इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डिजीज और एक्चुअली में उसके दरमियान कोई इफेक्ट नहीं होता है, और हम फेल हो जाए कि उस हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें, तो वी विल बी डूइंग विद टाइप 2 एरर. और हम मरीज को जो ड्रग इफेक्टिव होती है इसके बावजूद हम उस ड्रग मरीज को नहीं दे पा रहे, तो मरीज की कंडीशन और वर्स हो जाती है. तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कौन सी एरर ज़्यादा डेंजरस होती है, टाइप 1 एरर ज़्यादा डेंजरस होती है या टाइप 2 एरर ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि दोनों एरर हमारे पास जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो दोनों एरर की चांसेस होती है. हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं लेकिन दोनों एरर के चांसेस हमारे पास जरूर मौजूद है. नल हाइपोथेसिस की एरर की हम बात करें तो ये इसका मतलब जितना हमारे पास अल्फा होती है ऑन द बेसिस जो डिफॉल्ट हमारे पास 5 है. अब आप डिपेंड करता है कि आप अपनी उस रिसर्च के लिए कितना अल्फा ले लेते हैं. सो लेट्स डू विद द एग्जांपल कि कौन सा एरर हमारे पास ज्यादा डेंजरस है या ये एक कंडीशन पे डिपेंड करता है. So we have to decide ke which error is more dangerous in hypothesis testing, whether type 1 error or type 2 error. So we have to decide on the basis of condition. Yahan par hamare paas do condition hai. Dono condition mein hum dekhte hain ke kaun sa error zyada dangerous hai hypothesis testing mein. So hamare paas pehla condition hai
हमारे हम एक मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं लोगों की, जस्ट लाइक हम कोविड की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जो लोगों में डिजीज मौजूद नहीं है, जिन लोगों में डिजीज मौजूद है उनकी स्क्रीनिंग देखते हैं कि पॉजिटिव क्या आते हैं, नेगेटिव क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों में डिजीज प्रेजेंट नहीं है उनकी अगर पॉजिटिव आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। फॉल्स पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि यहां पर डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन स्क्रीनिंग में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमारे पास कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर है। अगर हम डिजीज नहीं है, अगर नेगेटिव आती है तो करेक्ट डिसीजन आती है। हाँ, सेकंड कंडीशन में डिजीज है, अगर पॉजिटिव आता है तो इट्स मीन करेक्ट है। योर कंडीशन में डिजीज है लेकिन नेगेटिव आता है तो हम कौन सा एरर करते हैं, टाइप 2 एरर करते हैं, और ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में आप देख ले कि कौन सा एरर ज्यादातर यहां पर हमारे पास डेंजरस है। डिजीज मौजूद नहीं है, पॉजिटिव आता है तो वो, अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोविड नहीं है उसको आप पॉजिटिव लेके आते हैं कोविड, तो वो कोविड के लिए फर्दर स्क्रीनिंग के लिए जाएगा या क्वारंटाइन हो जाएगा या अपनी एहतियाती तदाबीर करेगा। तो इस कंडीशन में टाइप 1 एरर हमारे पास इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर जिसको कोविड है, अगर आप उसकी स्क्रीनिंग या इसकी इन्वेस्टिगेशन निगेटिव लाते हैं तो वो ये सोचेगा कि मुझे कोविड नहीं है, तो उस वजह से वो लोगों के साथ मिलेगा, अपनी डिजीज को स्प्रेड करेगा, और सेकंड नंबर पर वो एहतियात नहीं करेगा डाइट के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, रेस्ट के हिसाब से, उसकी सेहत और क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। तो दिस कंडीशन वी कैन कंसिडर के टाइप 2 एरर हमारे पास क्या है, डेंजरस है। टाइप 2 एरर हमारे पास क्या है, डेंजरस है, क्योंकि ये कंडीशन वाज़ेह करता है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि गिल्टी नहीं है, मर्डर में गिल्टी नहीं है, और ऐसे लोग हैं जो गिल्टी है, हमने उनको कंसीडर करना है कि ये इनोसेंट है या नॉट इनोसेंट है। कि जिन लोगों ने मर्डर किया है उसको हम इनोसेंट कहते हैं या जिन लोगों ने मर्डर नहीं किया उनको हम नॉट इनोसेंट कहते हैं, ये हमारे पास एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जज फैसला करता है जो बंदा नॉट गिल्टी है, उसने कोई मर्डर नहीं किया है और उसको नॉन इनोसेंट करार देता है कि उसकी गलती है। एक बंदे ने कोई कत्ल नहीं किया है और अदालत कहती है कि उसने कत्ल किया है, समझ रहे आप लोग? तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमारे पास कौन सा एरर बनता है, टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव। वो गिल्टी नहीं है और उसको गिल्टी करार दिया गया है, नॉट इनोसेंट मीन के गिल्टी करार दिया है। अगर ये गिल्टी नहीं है और इसको आप इनोसेंट करार देते हैं, मासूम कराते हैं, तो इट्स मीन आप करेक्ट डिसीजन बनाते हैं। यहां पर ये बंदा गिल्टी है और आप उसको नॉट इनोसेंट कराते हैं तो ठीक है, सही डिसीजन है। लेकिन यहां पर ये गिल्टी है और आप उसको इनोसेंट करार देते हैं तो ये आपके पास कौन सा एरर है, टाइप 2 एरर है। तो यहां पर कौन सा एरर हमारे पास डेंजरस है, अगर कोई बंदा गिल्टी नहीं है अगर आप उसको सजा देंगे तो इट्स मीन आप ब्लंडर कर रहे हैं। क्या करे, ब्लंडर करे, उसने मर्डर नहीं किया है आपने उसको सजा दी, तो यहां पर हमारे पास कौन सा एरर लेकिन कम अज कम सोसाइटी के लिए जरूर ये बेनिफिशियल नहीं है कि गिल्टी पर्सन को आपने इनोसेंट करार दे दिया, लेकिन जिस बंदे की गलती नहीं है आपने उसको सजा दी तो ये उससे ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। तो अगर आपने उसको गिल्टी करार दे दिया, फॉर एग्जांपल गिल्टी है और आपने इनोसेंट करार दिया, तो ऑफेंडर जो होते हैं वो दोबारा अपील करेगा, उसको साबित करेगा। लेकिन जो बंदा नॉन गिल्टी है, आपने उसको सजा दे दी तो बात खत्म हो गई, आपने गलत तरीके से उसको क्या दिया, सजा दिया। तो यहां पर हमारे पास कौन सा एरर डेंजरस है, टाइप 1 एरर डेंजरस है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एरर डेंजरस नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आइदर टाइप 1 एरर डेंजरस है या टाइप 2 एरर।